एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका कश्यप एंड आई एम मधुलिका। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने इस संडे कमेंट बॉक्स के थ्रू दे रही हूँ कि इसमें जैसे आप लोग मुझसे कमेंट्स करते हैं बहुत सारे कि आप अपना डेली रूटीन बताइए, या फिर स्ट्रेस को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, या फिर आप खाने में क्या खाती हैं पूरे दिन भर जो आपका रहता है वो बताइए, या फिर मेडिटेशन के अलावा जो आप एक्सरसाइज करती हैं वो कौन सी होती हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं कुछ तो रेसिपी बेस्ड होते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कि स्ट्रेस से किस तरह से फाइट की जाए, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है जो कि आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर देना जो होता है पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता। और अगर मैं उन सारी चीज़ों का जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनके वीडियोज़ अगर मैं इस चैनल पर देने लग जाऊँगी तो ये चैनल बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मैंने इसीलिए बना रखा है जिसमें मैं हेल्दी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप रिव्यू कर सकूँ, और मेनली जो थायराइड के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जो अच्छा फूड है, या थायराइड के लिए ही जो मैंने ये वीडियोस बहुत सारे बनाए हैं उसके लिए मैं आप लोगों को इस चैनल के ऊपर बता सकूं। तो उस वीडियो में मैंने एक इसी कारण मैंने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है मधुलिका, और उस चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसमें मैंने आज जो है अपना मॉर्निंग में मैं क्या लेती हूँ रूटीनली वो मैंने उस चैनल पे अपलोड किया है, तो आप उस चैनल को देखिए जाके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस चैनल को देखिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अपने थायराइड को कंट्रोल करने के लिए डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन, स्ट्रेस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वेरिएशन है काफ़ी जो मैं इस चैनल में नहीं डाल सकती, तो मैंने वो इसलिए वो अलग से चैनल बना दिया है। आप उस चैनल को देखिए, उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कीजिए ताकि मेरी जो अपकमिंग उसमें वीडियोस होंगे वो मैं आते दिन उसमें डालती रहूँगी, तो आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। और आज जो मैंने डाला है उसमें वो एक ही वीडियो अभी अपलोड किया है, तो आप उसको वीडियो को देखिए कि मॉर्निंग में मैंने क्या लिया है और कैसे लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, खाली दवाइयाँ खाने से कुछ नहीं होता, आपका जो फूड होता है, खाना होता है, आपका स्ट्रेस और ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं मैटर करती हैं आपकी बीमारी के लिए, तो आप उस वीडियो को देखिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का कमेंट बॉक्स। और सबसे पहले मुझसे पूछा है तुली चक्र, इनका जो TSH है वो 7.80 है और ये थायरोडिनियम 250 mg की ले रहे हैं, क्या मुझे इतनी डोज लेनी चाहिए, इन्होंने ये पूछा है। देखिए, जो होम्योपैथिक की मेडिसिन होती है, होम्योपैथिक का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है जिसमें मैंने थायरोडिनियम 30 और कैल्केरिया का 3x, ये दोनों कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, और ये जो आप मेडिसिन ले रहे हैं थायरोडिनियम 30, ये थायरॉयड के लिए ही होती है। लेकिन इसमें आप डोज के पीछे जो है इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि ये आपको किसी होम्योपैथिक डॉक्टर ने ही दी होगी आपके अकॉर्डिंग, जो आपका TSH है या फिर आपकी और भी जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और थायराइड की जो टैबलेट्स होती हैं या थायराइड की जो मेडिसिन होती है वो केवल सिम्टम्स पे काम करती है, इसमें आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एलोपैथिक की डोज की तरह बिल्कुल नहीं होती है और ये सेफ होती है, इसके इसे साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं, तो जिस तरीके से आपको बोला गया आप उस तरह से बिल्कुल ले सकते हैं। ये आपके थायराइड की जितने भी सिम्टम्स आपको लगते हैं जैसे फटीगनेस है और फैटीनेस है और हेयर फॉल है, ड्राई स्किन है, कॉन्स्टिपेशन है, इन सारी चीज़ों से फाइट करके ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, तो आप इसको बिल्कुल परेशान मत होइए। इसके बाद मुझसे पूछा है सुभाश्री रॉय, इनकी एज 19 ईयर्स ओल्ड है और TSH 4.4 है, तो आपका जो TSH है वो ऐसा कुछ बढ़ा हुआ नहीं है, तो इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। फिर मुझसे पूछा है शाहिदा रिजवान, इनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो गई है ड्यू टू थायराइड, इन्होंने बोला लास्ट ईयर थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया था। देखिए, एक तो रेनी सीजन चल रहा है और जब रेनी सीजन होता है तो उस समय हेयर फॉल होना एक आम बात है। इस समय पे आप अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल लगाते हैं बालों के अंदर और उसको कई कई दिन तक लगा हुआ छोड़ देते हैं तो भी हेयर फॉल होता है, या फिर अगर आपके बाल पूरे दिन बंधे रहते हैं और जिसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है और आप नहीं खोलते हैं बालों को, तो मॉइस्चर की वजह से भी कई बार हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो बरसात में इसीलिए कहा जाता है कि हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो आप अपने बालों को क्लच करके रख सकते हैं, बीच में अगर पसीना आए तो थोड़ी देर खुला करके रखिए ताकि अंदर का जो पसीना है वो सूखे, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, इसीलिए फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, जैसे रेनी सीजन कम हो जाएगा तो आपका हेयर फॉल भी कम हो जाएगा। और थोड़ा बढ़ा हुआ था आया था आपका थायराइड, तो उससे कोई इतना नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ही इस समय हेयर फॉल काफ़ी लोगों का हो रहा है। फिर मुझसे पूछा है गुलशन अली और मिनी मलिक, इनका दोनों का क्वेश्चन है सेम, एज इनकी 24 है और TSH 34 है,
जो आपकी एज है 24, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे 24 एज तो ऐसी एज होती है जिसमें आप लोग जंक फूड काफ़ी खाते हैं, तो जंक फूड ज़्यादा खाने की वजह से क्या होता है, आपका जो लिवर होता है वो कई बार काफ़ी टॉक्सिनेटेड हो जाता है, काफ़ी फैटी होने लग जाता है और वो प्रॉपर वर्क नहीं करता, जिसके कारण आपका TSH हाई चला जाता है। तो आपने बोला है कि TSH आपका 34 है, तो उसके कारण भी आपका जो है TSH काफ़ी हाई हो जाता है। और आज मैंने जो मॉर्निंग जो मैंने दूसरा जो चैनल में मैंने वीडियो डाला है उसमें मैंने यही बताया है कि लिवर को किस तरीके से आप क्लींज करने के लिए एक जूस मैंने उसमें बताया है, आप उस वीडियो को देखिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और उसी के कारण आपका जो TSH है वो काफ़ी नॉर्मल होने लगेगा धीरे धीरे, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल अपने लाइफस्टाइल और रूटीन जो है खाने पीने का थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए। फिर गुरप्रीत कौर, 2 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं और थायराइड जो है नॉर्मल आ सकता है, नॉर्मल है प्रेगनेंसी, अच्छा इनका थायराइड जो है वो नॉर्मल है, 2 महीने से इनको पीरियड्स नहीं है और प्रेगनेंसी नेगेटिव आ रही है। हाँ तो कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है पीरियड्स जो होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण इरेगुलर हो जाते हैं, तो आप इसके लिए बहुत अच्छा है कि आप कोई एक्टिविटी या फिर योगा रूटीन इस तरह का आप फॉलो कीजिए, तो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है तो, और आपके जो पीरियड्स होते हैं उसके भी काफ़ी हद तक ये इश्यूज जो होते हैं वो सॉल्व होने लगते हैं, क्योंकि योगा एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें कि आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, जो स्पेशली लेडीज़ के ऑर्गन्स जो होते हैं वो काफ़ी हेल्दी होने लगते हैं, आपको जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो भी योगा के थ्रू काफ़ी ठीक होने लगता है। ये एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी है, साथ साथ आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। फिर इन्होंने पूछा है कि आप कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन लेती हैं तो बताएं, और मेडिसिन के अलावा एक्सरसाइज करते हो तो बताएं। देखिए आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने एक बार लिया था, इसमें काफ़ी अच्छा काम भी किया था, इसमें था कचनार गुग्गल और अश्वगंधा और त्रिकुटु चूर्ण, ये तीनों चीज़ें मैंने ऐड की थी। अश्वगंधा मॉर्निंग में ले लेती थी मैं, और त्रिकुटु चूर्ण में दिन में जब छाछ मट्ठा जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, खाने के बाद आधा घंटे के बाद आप उसको ज़रूर लीजिए, एक कप मट्ठा और या छाछ जिसको बटर मिल्क भी कहते हैं, उसके अंदर में आधा चम्मच जो था टीस्पून वो मैं त्रिकुटु चूर्ण डाल के लेती थी, तो वो बहुत अच्छा होता है त्रिकुटु चूर्ण, उसके बारे में मैंने और भी कई वीडियोस में आप लोगों को बता रखा है, और उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी कि ये कैसे बनता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डलती हैं, और बहुत अच्छा होता है जो जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम होता है उनके लिए। उसके बाद आशीष, ओजीवा सुपर फूड जो मेडिसिन लेते हैं तो क्या ले सकते हैं? हाँ जी, ओजीवा सुपर फूड जो है वो ग्रीन्स एंड हर्ब्स है, आपने उसी वीडियो से नीचे ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है, और ये आपके बॉडी को बहुत ही अच्छे वे में डिटॉक्सिफाई करता है। आज जो मैंने वीडियो अपलोड किया है दूसरे चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसका यूज़ ओजीवा सुपर फूड का यूज़ मैंने उस वीडियो में किया है, आप उसको देखिए और कैसे किया है मैंने उसका यूज़, और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जाके, ताकि आगे जाके आप जो है बहुत सारे इश्यूज से बच सके। फिर विशेषा महाजन, इन्होंने बोला है टेकिंग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नाउ माय थायराइड इज़ नॉर्मल, वेरी गुड, क्योंकि थायराइड के जो इश्यूज होते हैं वो ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक की टैबलेट आपको ज़िंदगी भर खानी पड़े, आप होम्योपैथिक से भी उसको ठीक कर सकते हैं। फिर आता है मीना कलारिया, आप डाइट क्यों नहीं करते हो? देखिए डाइट मैं नहीं करती हूँ, मैं डाइट करने से अच्छा ये समझती हूँ कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा ईटिंग पैटर्न है, जो फूड पैटर्न है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब आप जो कुछ भी खाते हैं कम से कम मंडे टू सैटरडे आप जो कुछ भी खाते हैं वो आप हेल्दी ही खाने की कोशिश कीजिए, संडे को आप थोड़ी सी चीटिंग कर सकते हैं, और वो इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि अगर आप बिल्कुल हेल्दी वे में और हेल्दी पैटर्न में खाने लगेंगे ना, तो आपकी जो बॉडी होती है वो इतनी अंडरस्टूड होती है कि वो समझ जाती है और फिर उसका कोई असर नहीं होता। तो इसलिए मैं अपनी सारी जो अपना ग्रीन जूस है, अपना मॉर्निंग रूटीन है, अपना मॉर्निंग जूस है, अपना ब्रेकफास्ट है, इसमें बहुत सारे वेरिएशन मैं हमेशा करती रहती हूँ, ताकि किसी भी चीज़ से जो वेट लॉस है वो स्टैग्नेट ना हो। तो इसी वजह से मैंने जो ये नया चैनल बनाया है ये सिर्फ इसी वजह से बनाया, ताकि जैसे जैसे मैं वेरिएशन करती जाऊंगी तो मैं उसके साथ डालती जाऊंगी, तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप उससे कोई भी क्वेरी है उसको, उसमें कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर नवीन तपारिया, इन्होंने बोला है 12 ईयर्स वालों को 2 बादाम और बड़ों को 4 बादाम हमें क्यों खाने चाहिए, और इन्होंने बोला खाने में कौन सा ऑयल यूज़ करें, ये
तो देखिए ऐसा इन्होंने मामरा आलमंड्स के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है उन्होंने इन्होंने उसके ऊपर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि 2 बादाम बच्चों को और 4 बादाम बड़ों को क्यों खाने चाहिए। देखिए जो नॉर्मल आलमंड आते हैं जो कैलिफोर्निया के जो आलमंड्स होते हैं वो इतने रिच नहीं होते हैं क्योंकि उन आलमंड्स में ऑयल जो है वो काफ़ी प्रोसेस के थ्रू निकल जाता है, वो इतने रिचेस्ट फॉर्म उसका नहीं होता है। लेकिन जो मामरा बादाम होता है उसके अंदर ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी हेल्दी होता है। और मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि मामरा एक ऐसा बादाम है जो कि जो रिचेस्ट पीपल होते थे पहले, राजा महाराजा होते थे, उन उसको खाना भी उनका स्टेटस सिंबल था। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप नहीं खा सकते जो कि बहुत ज़्यादा रिचेस्ट फॉर्म में है, उसके अंदर हर चीज़ सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी है और वो आपके आँखों के लिए, ब्रेन के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। उस बादाम को आप ज़रूर यूज़ कीजिए और उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। फिर मुझसे पूछा है इन्होंने एक चीज़ और कि बादाम को अगर भिगो कर खाएं तो आप उसमें ऑयल उसका ऑयल निकल जाता है, ऐसे ऐसे क्यों नहीं खाते। देखिए बादाम को भिगो के खाने का मतलब ये नहीं होता है कि उसका ऑयल निकल जाता है, बादाम को भिगो के खाने का मतलब ये होता है कि अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी खुश्की काफ़ी है, तो वो आपको नुकसान नहीं देगा। बस ये इसका एक होता है कि आपका इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है और उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। और मॉर्निंग में आपको हमेशा सोक करके ही बादाम खाना चाहिए, वरना कई बार खुश्की इतनी होती है बॉडी के अंदर कि वो बादाम आप खाएंगे तो लेकिन वो हजम नहीं होगा। तो इसलिए आप चाहे मामरा आलमंड्स खाएं, चाहे आप कैलिफोर्निया या फिर देसी जो गुरबंडी बादाम होता है उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप कोई भी बादाम लेते हैं उन तीनों के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, तो आप उसको भिगो कर ही खाएं। फिर सीमा तयाल इन्होंने बोला है कि इनकी एज 47 है, T3 T4 नॉर्मल है और TSH 7.7 है और हाथ पैर में बहुत दर्द होता है। देखिए जो मैंने अपना कल सैटरडे को जो मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने कैल्शियम सप्लीमेंट के बारे में वो वीडियो अपलोड किया है कि जब आप कोई कैल्शियम सप्लीमेंट खाते हैं, जैसे आजकल क्या हो गया जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो भी और जिनको नहीं है वो भी, एक एज के बाद जो होता है या तो ज़्यादातर मेनोपॉज की जब तरफ लोग बढ़ते हैं, लेडीज़ जो बढ़ती हैं तो उनके अंदर कैल्शियम का जो क्वांटिटी होती है वो कम होने लगती है, तो उस समय पे डॉक्टर्स भी कई बार आपके हाथ पैरों में दर्द होता है तो आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देते हैं, प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो जब आप कैल्शियम का सप्लीमेंट खाते हो तो उस कैल्शियम का जो सप्लीमेंट होता है वो सॉल्ट बेस्ड न हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो प्लांट बेस्ड होना चाहिए। उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि सॉल्ट बेस्ड जो होता है वो केवल 20% ही अब्सॉर्ब होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम साइट्रेट, ये सब सॉल्ट बेस्ड होते हैं। और जो ग्रीन एल्गी जो कि प्लांट बेस्ड है, ये आप वीडियो देखिए तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और उस जो कैल्शियम सप्लीमेंट है ऐसा लीजिए जो आपके लिए सेफ भी हो और आपके शरीर के अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब भी हो, और जितने कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए जितने बोन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है वो सारा लोडेड होता है ग्रीन एल्गी में। तो ये इस बहुत सारी कंपनियां हैं जो बनाती हैं ग्रीन एल्गी के कैल्शियम सप्लीमेंट, आप उस वीडियो को देखिए तो आपको पता चल जाएगा। फिर उन्होंने पूछा है श्रीमा स्मितेश जी, आप मेरी केरला की सब्सक्राइबर हैं, मुझे पता है आपने लिखा था कि कौन सा टेस्ट करवाएं T3 T4 एंड TSH के अलावा। अब इनकी प्रॉब्लम्स है वेट गेन, डिप्रेशन, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, और आपने इन्होंने बोला है कि आप डाइट चार्ट भी बताइए। और देखिए आपके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम है, डाइट चार्ट तो नहीं लेकिन आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो करेंगे तो उसमें आपको डाइट के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा। और जितनी भी है आपने प्रॉब्लम्स बताई हैं इसके साथ आप एंटीबॉडीज़ का टेस्ट जरूर करवा सकते हैं। एंटीबॉडीज़ अगर आपके शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ही आपके खुद आपके ही बॉडी के ऊपर अटैक करने लगते हैं तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये खड़ी हो जाती हैं। एंटीबॉडीज़ का टेस्ट कराइए और आप अपने लिवर को क्लींस करने की, डिटॉक्सीफाई करने की कोशिश कीजिए। और कोई भी जो रूटीनली वर्कआउट जो है आप जैसे योगा या फिर वॉक, इसके अलावा जिम या एरोबिक्स करने के लिए मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी, अभी नॉर्मली ही आप अपने लाइफस्टाइल को लेकर चलिए।
और जो अभी मैंने जो मैंने आज वीडियो अपलोड किया है दूसरे चैनल के ऊपर, उसको आप देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें मैंने हेल्दी ब्रेकफास्ट और हेल्दी जूस जो लिवर क्लींस के लिए बहुत अच्छा है वो आपके लिए दिया है मैंने, आप उसको देखिए तो वो काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। अगर आपको रिवर्स T3 का प्रॉब्लम है, आपका T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होता है, आपका जो लिवर है वो टॉक्सिनेटेड है, तो वो जूस आपकी बहुत हेल्प करेगा। अदरवाइज अगर आपका एंटीबॉडीज जो होते हैं वो पॉजिटिव आते हैं तब उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो भी आप कर सकते हैं, वो भी उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि, और मैंने बना भी रखे हैं एंटीबॉडीज़ के ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं। इसके बाद मेरे पूछा है प्रिया ठाकुर, इनका TSH 3.02 है, 3.02, और इनका 15 वीक की प्रेगनेंसी में है। नीड टू टेक मेडिसिन। देखिए, अगर आपको प्रेगनेंसी है ना, 15 वीक्स की आपको अगर प्रेगनेंसी है और आपका TSH 3.02, तो पहली बात तो आपको घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात, जितने भी लेडीज़ प्लीज़ प्रेग्नेंट है ना, तो वो अपने जो गायनोकोलॉजिस्ट है उसी के अकॉर्डिंग चलें। अगर आपको वो थायराइड की मेडिसिन देते हैं तो उस वक्त आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, खानी है, और किसी भी ऐसी गलती को ना करें प्रेगनेंसी के दौरान जो कि बाद में प्रॉब्लम हो जाए। जिस तरह आपकी गायनेकोलॉजिस्ट जो आपको देती हैं, रिकमेंड करती हैं, जो भी, बिल्कुल आप उसी तरह फॉलो कीजिए, लेकिन आपका थायराइड इसमें ऐसा कुछ आया भी नहीं है। फिर सोनिया नारंग, इन्होंने बोला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या किया, तो मैंने आपको बता दिया कि त्रिकुटु चूर्ण, अश्वगंधा और कचनार गूगल, ये तीन आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि थायराइड के लिए बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा आप टर्मरिक का यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है, और टर्मरिक का मैंने यूज़ आज भी किया है दूसरे चैनल में। आप देखिए कच्ची हल्दी को मैंने किस तरीके से यूज़ किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलते रहें। फिर मुझसे पूछा है एक, हाँ, ये गुरु आयुर्वेदा क्लासिकल कोई हैं, ये आयुर्वेद के एक गुरु हैं, इन्होंने जो मेरा वीडियो बनाया था उसमें इन्होंने लिखा, जागो इंडिया जागो, आपने सही बोला, इसके लिए आपको धन्यवाद, यू आर राइट मैडम। बिल्कुल, देखिए ये तो गुरु हैं, आयुर्वेदिक गुरु हैं, और ये भी मेरे को यही बोला है इन्होंने। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई इस तरह के लोग जो होते हैं जो इसी फील्ड में होते हैं और बताते हैं कि आप सही कह रहे हो, तो अब बहुत खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच आयुर्वेदा गुरुजी। और फिर मुझे बोला है मंदीशा अलीन, इन्होंने मुझे आपने ये बताया कि आपने नॉर्मल खाना ही खाया है रूटीन में। हाँ जी, देखिए ऐसा होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं और बहुत सारी ख़राब चीज़ें अपनी डाइट से हटा सकते हैं, लेकिन आपको जो खाना है नॉर्मल, आपका जो खाना होता है दिन का लंच और रात का जो आपका डिनर होता है और जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है, वो आपको बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में आपको उसको रूटीनली रखना है, वरना आपका जो एनर्जी लेवल होता है वो काफ़ी लो हो जाता है। ये गलती मैंने भी की थी जब थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं काफ़ी वेट गेन मैंने कर लिया था, तो उस समय पे मैंने खाना पीना जो है छोड़ दिया था, लेकिन जब मैंने खाना बहुत अच्छा हेल्दी खाना खाना शुरू किया तो ना सिर्फ मेरा वेट थोड़ा कम होना शुरू हुआ बल्कि मेरा जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ने लगा था। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप ऐसा मत सोचिए कि आप दाल चावल खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, सब्जी रोटी खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप उसको खाइए क्योंकि वो आपका आपकी बॉडी को एक तरह का फ्यूल का काम करता है, वो बहुत ज़रूरी है। फिर इन्होंने पूछा है श्रीमा स्मितेश, आई एम योर केरला सब्सक्राइबर, लव यू, थैंक यू सो मच। फिर अर्चना जी हैं, इन्होंने बोला है वेरी एजुकेटेड वीडियो एंड वेरी इफेक्टिव रेमेडीज़। बिल्कुल, ये इन्होंने मेरा TSH इज हाई मीन्स उसमें ये इन्होंने कमेंट दिया है कि बहुत ही एजुकेटेड वीडियो है, वो वाकई में बहुत अच्छा वीडियो है। अब तो उसके जो व्यूज़ हैं वो भी पता नहीं कितने चले गए हैं, और उसकी जो रेमेडीज़ हैं उनके तो क्या मैं बताऊँ, कमाल, बहुत अच्छा वीडियो है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसका है नाम TSH इज हाई मीन्स, अपलोड किया हुआ मैंने ऑलरेडी। और चलते चलते मैं फिर आप लोगों से यही कहूँगी कि आप मेरे चैनल पर जाइए, दूसरा चैनल जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसमें मेरे डेली की जो अपने खाने पीने की चीज़ें हैं वो मैं अपलोड करूँगी, अपना लाइफस्टाइल, मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन या फिर दिन का रूटीन, उसके अलावा स्ट्रेस के ऊपर बात करेंगे, मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे, और कुछ ऐसी भी बातें करेंगे जो कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके हेल्थ के इश्यूज़ बनने का कारण होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, आप उस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल मधुलिका कश्यप को। फिर मिलूंगी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।